सुबह हो चुकी है। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं जी शुरू। अभी मेरी सुबह जो है हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, मैं भी सो के उठाऊँ तो मुँह धोते हैं और बच्चों को लेने जाना है स्कूल से, तो आइए पहले वहाँ चलते हैं और नाश्ता बाद में करेंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी की बात आपको बाद में बताता हूँ। कपड़ा गाड़ी के ऊपर से उतार लिया। आज जो है गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत गर्मी है बाहर। आज देख सकते हैं कितना रश है बाहर, अभी पहले भी रश था तो अभी भी रश है, स्लो स्लो जा रही, वरना इधर से स्पीड में ही जाते हैं तो ट्रैफिक है आज। अभी सुबह 11 ही हो रहे हैं तो फिर भी मेरी सुबह 11 हो रही है, वैसे आधा दिन गुजर चुके हैं। चेक करें व्यूअर्स, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, ये अभी लगता है लाहौर से आई है ट्रेन, अभी ऊपर ट्रेन के अभी हम पुल के नीचे खड़े हुए हैं। अभी जो है हम बच्चों के स्कूल के बाहर आ गए हैं, लेते हैं इनको और चलते हैं फिर घर। बच्चों को स्कूल के बाहर पहुंचे हैं तो पता लगा कि छुट्टी इनको 1 बजे होगी, तो अभी तो 12:15 हुए और मैंने सामने पार की है, वो सामने रोड के मैंने उस साइड पर पार की है। अगर छुट्टी होती है ना फिर इधर रश हो जाएगा, इसलिए वहीं से मैं निकल जाऊँगा आगे। हमने ये लिया था, ये बचपन में मिलता था हमारे भी स्कूल के बाहर से, तो अभी हमने ये लिया, ये खाते हैं। वो मेरे अंकल बेच रहे थे, मेरा दिल किया मैंने ले लिया। रानिया जो है उसको छुट्टी हो गई है, रानिया जो है वो आ गई है, आ जाए नहीं देगा ब्लॉग, बैग मुझे दे दो। और सुनाओ कुछ खाने, अंदा किधर आएगा? ओ हमदा भी आ गया, बाइक नहीं है गाड़ी में आया, वो गाड़ी सामने खड़ी है। चलो बच्चों को ले लिया, गाड़ी में बैठते और चलते घर, बहुत सख्त गर्मी है बाहर। ये रही रानिया मैडम, मैं अभी सो गया था, बच्चों को लेकर आया था स्कूल, तो उसके बाद अभी उठाऊँ फिर उठाऊँ तैयार हुआ नहा के फ्रेश हुआ, तो अभी ज़रा बाहर जा रहा हूँ घर, गेस्ट आए हैं चाट लेने जा रहा हूँ और चाय शाय घर में गेस्ट जो आए उनके लिए बनाई है। चाट पैलेस लिखा ना, इनकी चाट बहुत ही मज़े की है, बहुत ही डिलीशियस है, तो अभी इधर से चाट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, 2 प्लेट चाट दे, दही भल्ले पैक कर दें, एक ही जगह। गेस्ट आए, शुक्रिया भाई, हमने ले ली हैं। इसी जो पापड़ था अभी मैंने वो खाया, बहुत ही मज़े का होता है वो, अक्सर जब मैं दही भल्ले लेने जाता हूँ तो जो पापड़ होता है वो अक्सर मैं रास्ते में ट्राई करता आता हूँ, और घर पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म भी हो जाता है कभी कभी। तो अभी चलेंगे हम ऊपर छत पे, ये नीचे देते हैं और ऊपर चलते हैं छत पर, फिर आपको बताता हूँ कि आज मैं खुश क्यों था। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में मैं बहुत खुश हूँ, तो ऊपर चलते हैं छत पर फिर बात करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ ऊपर छत पर, तो अब आपसे कुछ बातें करते हैं। बातें ये हैं कि यार पहली बात आपको बताता हूँ मैं खुश क्यों हूँ। खुश मैं इस वजह से हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से आज जो मैं वीडियो अपलोड जो कल कर चुका हूँ वो मेरी 100 वीडियोस हो चुकी हैं यूट्यूब पे, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जा रहा है मेरा चैनल, तो आप लोग बस मेरी सपोर्ट करते रहें। आपका एक लाइक या एक जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मैं बड़ा मोटिवेट होता हूं, इसको मोटिवेट होकर मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों को भी बहुत थैंक यू, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से मैं वीडियो भी बनाई जा रहा हूं। तो दूसरी खुशी यह है कि अभी जो घर में मैं खाना खा कर आया हूं वो मेरी फेवरेट डिश बनी थी, रेड बीन्स एंड बॉयल्ड राइस, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो 2 खुशियाँ थी ये, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब ये जो मेरी ये वीडियो बन रही है मेरी 101 वीडियो है, 101 तो बस आप ये सपोर्ट करते रहें। आज फुल सोचा हुआ है यार, धूप तेज़ ही रखनी है, तो लेकिन बादल आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, बादल ऊपर आ रहे हैं, तो ये बस अल्लाह करे बारिश हो जाए। अब मैं जल्दी से इंशाल्लाह यूट्यूब के जो यूट्यूब पर एक नया फीचर जो लॉन्च किया है शॉर्ट्स वाला, इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊँगा, वो भी आप मेरे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बस देखें इंशाल्लाह, बस मेरा मैं चाहता हूँ चैनल मोनेटाइज हो, अच्छा अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को भी पता है, तो
बस जल्दी से हो जाए मोनेटाइज, और हो जाएगा ना फिर हम इस तरह करेंगे ना कि मैं दूसरे सिटीज़ में भी जाके वो करूँगा ना, व्लॉग बनाऊँगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि चैनल मोनेटाइज हो, फिर बंदा जाए। व्यूअर्स, मैं अभी ख़त करवाने गया हुआ था, ख़त करवा कर आया हूँ। काफ़ी बड़ी हो गई थी दाढ़ी तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इसलिए गया और ख़त करवा कर आया। अभी तो वहीं पे एक भाई मिले हुए थे, तो वो भाई मुझे वीडियो एडिट करने के बारे में बता रहे थे कि यार इस तरह आप एडिट क्या करें। उन्होंने फिर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है, और बस इसी तरह यार सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। और कैसा लग रहा हूँ भैया बताइएगा, अच्छा लग रहा हूँ? ख़त बहुत ज़बरदस्त किया भाई ने यार। बाल मैंने आपको बताया कि मैं बड़े रख रहा हूँ, वरना तो मैं हर हफ्ते ही बाल कटवाता था, तो बाल इस दफ़ा मैं बड़े कर रहा हूँ और ख़त मैं करवा कर रहा हूँ। अभी हमारी छत पे किसी का कबूतर आके बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा है, इसको पकड़ने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं इसके पास जाऊँगा तो ये उड़ जाएगा। ट्राई करते हैं, ओ उड़ गया यार, शिट। सीरियसली मैंने कबूतर पकड़ना था और छोड़ देना था, ये नहीं है कि मैंने उसको कैच कर लेना था, मेरा दिल कर रहा था उसको पकड़ने का, तो पकड़ के छोड़ देता मैं उसको। ये थी आज की वीडियो, कबूतर तो उड़ गया और एक वो वीडियोस भी कंप्लीट होगी, 100 वीडियोस। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त साद अहमद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।